ये है क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में जो पिछले सेशन में पार्लियामेंट में आना था लेकिन आया नहीं है। क्या इस पर काम चल रहा है अभी और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं अभी देश में भी जो इंतजार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिल का। क्या इसे इलीगल कह दिया जाएगा जो बिटकॉइंस और बाकी के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं? कि पहली बात मैं कहूँ कि पिछला पार्लियामेंट सेशन थोड़ा आपका टेल कर दिया गया, क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज का था कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसको छोटा किया जाए। दूसरा मैं कहूँ कि डिजिटल करेंसी को लेकर हम बहुत ओपन हैं, और डिजिटल इंडिया की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं। हमने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया है। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो, उसकी ओर RBI भी काम कर रहा है, और भारत सरकार ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी एक बनाई थी जिसमें सेक्रेटरीज का समूह बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी उस पर दी है। मैं यहाँ तक तो दो बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी की बात आती है, ब्लॉकचेन है या कोई और टेक्नोलॉजी है, आपको किस टेक्नोलॉजी पे जाना है वो हमें तय करना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के अलावा बहुत सारी और करेंसी, अगर मैं बात करूँ कि आप कहेंगे बिटकॉइन है, ये है, वो है, तो तरह तरह की करेंसी दुनिया भर में है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। एक बार जब RBI ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद निर्णय भी आया, लेकिन इस बिल में उन सब विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा। भारत सरकार इसको बिल्कुल खुले मन के साथ विचार करके आएगी। एक बात जरूर आपको समझनी होगी, ये जो फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए बिटकॉइन का एक रेट $2,000 आज था तो, या कुछ महीने पहले था, $60,000 के लगभग हो जाए, तो क्या इतनी फ्लक्चुएशन फिएट करेंसी में कहीं होती है? तो क्या इससे जो इन्वेस्टर है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन भी कैसे हो, इसको भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जब इस पर चर्चा पार्लियामेंट में होगी तब उस पर करेंगे, लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं और सभी विकल्पों पर बड़े खुले मन से विचार करते हैं।